मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देश एवं प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं महिला दिवस के मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री कुर्सी पर बैठा कर सम्मान किया। गेस्ट होम मिनिस्टर बनकर महिला आरक्षण मीनाक्षी वर्मा ने आमजन की समस्या सुनकर निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम महिलाओं का भी सम्मान किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। हमें शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। कभी सुना है क्या किसी देश में माया पिता कहा जाता हो? आज नारी शक्ति का दिन है और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा धर्म स्वातंत्र विधेयक पर चर्चा है आज विधानसभा में। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में हैं आपके सामने। सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलुलुलु को फादर कहा? कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहां नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में, मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं। और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें।